नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी खाकरा, बहुत ही कुरकुरे, एकदम खस्ता, गुजरात की खास रेसिपी। तो शुरू करते हैं बनाना। प्यारे में हमने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम 1/4 कप बेसन डालेंगे और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसको हम क्रश करके डालेंगे। अगर आपके पास हरी मेथी है तो बारीक काटकर 1/2 कप इसकी जगह हरी मेथी ली जा सकती है। ये 3/4 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा पसंद करें थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच तेल। सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और ये हमने गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो लगाएंगे, पराठे के लिए जैसा डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त डो। आटा लगाने के लिए हमने हल्का गुनगुना पानी लिया है। सर्दी के मौसम में अगर गुनगुने पानी से आटा लगाएं तो आटा बहुत जल्दी लग जाता है और हाथों को भी अच्छा लगता है। और गर्मी के मौसम में आप आटा नॉर्मल पानी से ही लगा लें। ये डो लगा लिया हमने, पराठे के आटे से थोड़ा सा सख्त है और पूरी के आटे से थोड़ा सॉफ्ट है। और इसे लगाने में हमने 1 कप पानी लिया था जिसमें से 2 टेबल स्पून पानी बच गया है। इसे ढककर हम 20 मिनट के लिए रख देते हैं, ये सेट हो जाएगा। इसके बाद खाकरा बनाएंगे। 20 मिनट हो गए, आटा भी सेट होकर तैयार है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा मसल कर सॉफ्ट बनाएंगे। ये डो तैयार हो गया तो हम आटे से थोड़ा सा आटा तोड़कर निकाल लेंगे और इसे गोल लोई बना लेंगे। इसे इस तरीके से दबा लेंगे और सूखे आटे में लपेटकर हम इसे पतला बेलेंगे। किनारे को दबाते हुए बेलेंगे, बीच में पतला और किनारे मोटे नहीं होने चाहिए। जब ये बोर्ड पर चिपकने लगे तो हम इसे फिर से सूखे आटे में लपेट लेंगे। ये देखिए हमने अच्छा पतला बेला है इसे। अगर हमें एक ही साइज के खाकरे बनाने हैं तो ऐसा कोई डब्बे का ढक्कन ले लें और उससे हम इसे काट लें। और एक कटिंग को हम इसी आटे में लगाते जाएंगे। खाकरा सेकने के लिए तवा गरम कर लेते हैं। तवे को हमने हल्का गरम किया है और फ्लेम को हमने लो कर दिया है। इसको सिकने के लिए हम तवे पर डाल देते हैं और जब तक ये सिक रहा है इधर, तब तक बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा खाकरा बेलकर तैयार करेंगे। यह हल्का सा डार्क हो गया है और थोड़े से बबल भी दिखाई देने लगे, इसे हम पलट देते हैं और दूसरी ओर से भी हल्का सा सिकने देते हैं। ये दूसरी ओर से भी हल्का सा सिक गया है, इसे पलट देते हैं। और ये हमने कटोरी ले ली है, इसे दबा दबा कर दोनों ओर अच्छा क्रिस्प होने तक सेकेंगे। कपड़े की हेल्प से दबाकर भी इसे सेक सकते हैं या फिर लकड़ी का प्रॉपर जो दबाने वाला होता है वो भी ले सकते हैं। ये खाकरा एकदम कुरकुरा सिक कर तैयार हो गया। इसे हम रख लेते हैं प्लेट में और सारे खाकरा इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। मेथी खाकरा बनकर तैयार हैं और एक खाकरा को सेकने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। इसे सींगदाना ड्राई चटनी के साथ में परोस दीजिए या फिर चाय के साथ में कुटकुट करके ऐसे ही खा लीजिए। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप सेकेंगे तो आग धीमी रखें और इसे दबा दबा कर क्रिस्प होने तक सेक लें। बहुत अच्छे खाकरा बनकर तैयार होंगे। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए।
और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।